ज्योति मौर्य, ये नाम भला कोई कैसे भूल सकता है। लगातार चर्चा में बनी रहने वाली ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्य के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में रहा। वहीं अब इस मामले में आज प्रयागराज की जिला अदालत के फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज तलाक अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि अदालत में आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों ही पेश नहीं हुए। वहीं दोनों के वकीलों की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी लगाई गई। अब 6 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य पेश नहीं हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच आपसी समझौता हो सकता है। पति आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पहले ही वापस ले ली है। तो वहीं अब चर्चा ये भी है कि ज्योति मौर्य भी तलाक का केस जल्द ही वापस ले सकती है। पीसीएस अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के संबंधों में दरार आ गई थी, लेकिन आलोक ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया था। तो वहीं ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है। दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हुआ है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी। बाद में 2015 में यूपीपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हो गया था। तो वहीं ज्योति मौर्य ने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। ज्योति मौर्य इन दिनों बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है, जबकि पति आलोक मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में प्रतापगढ़ जिले में चपरासी के पद पर कार्यरत है। हालांकि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली है, जिसके बाद माना यह भी जा रहा है कि इस मामले में भी दोनों के बीच समझौता हो सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।